हाय बच्चों, आ गए हैं हम लेके वेक्टर्स की अगली लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स को हम कैसे सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा है कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। मिस हुई है आपसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके ज़रूर देख ले, या फिर प्लेलिस्ट में तो लगी हुई है ही। तो शुरू करते हैं सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम दरअसल क्या करते हैं, सपोज़ ये एक वेक्टर है वी ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर कुछ भी कह लीजिए आप, ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो हमें करना है ए वेक्टर से बी वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट, हमें करना है ए वेक्टर से बी वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, पहले तो हम दोनों को टेल अपॉन टेल अरेंज करेंगे। पहले हम दोनों को, दोनों वेक्टर्स को एक साथ अरेंज करेंगे। ये हो गई हमारी ए वेक्टर, ये हो गई हमारी बी वेक्टर। अब हमें करना था ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, जो बी वेक्टर है उसकी निगेटिव वेक्टर को हम कंसीडर करेंगे। बी वेक्टर की जो निगेटिव वेक्टर थी उसको हम कंसीडर करेंगे, और निगेटिव वेक्टर हमने पढ़ा ही था, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर यानी कि क्या था उसका मतलब क्या था। अगर एक वेक्टर है बी, तो एक वेक्टर इसकी निगेटिव कब होगी, बी वेक्टर सपोज इस तरफ है और तो माइनस बी वेक्टर अगर इस तरफ हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, डिरेक्शन ऑपोजिट हो, तब हम कहते हैं ये वाली वेक्टर इस वेक्टर की निगेटिव है। तो यहाँ पे जो बी वेक्टर हमारी थी उसकी हमने निगेटिव वाली वेक्टर को ले ली, तो यानी कि ये बन गई हमारी माइनस बी वेक्टर। ध्यान रखिएगा बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है और माइनस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है दोनों होगी बराबर, दोनों होगी बराबर, पर डिरेक्शन हमारी है ऑपोजिट, डायरेक्शन हमारी है ऑपोजिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दरअसल हमें करना था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, पर हम करेंगे ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और निगेटिव ऑफ बी वेक्टर को हम वेक्टर एडिशन कर देंगे, जो हमारी थी ए वेक्टर और यहाँ पे हमें मिला निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को हम कर देंगे वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, घूम घूम के बात वही होने वाली है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो सीधा सीधी हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि अगर आपसे मिस हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और रिजल्टेंट हमारी हो जाएगी ये वाली इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो रिजल्टेंट इस तरफ जाएगी। तो हमने सीखा है कभी भी हमें अगर दो वेक्टर्स को सब्स्ट्रैक्ट करना हो, ए वेक्टर से बी वेक्टर को अगर हमें सब्स्ट्रैक्ट करना हो, तो बी वेक्टर को हम निगेटिव वाली को कंसिडर कर लेंगे, बी वेक्टर की निगेटिव वेक्टर को हम कंसिडर कर लेंगे, और फिर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को हम जोड़ देंगे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को हम वेक्टर एडिशन कर देंगे, और जो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा वो डायगोनल होगी। रिजल्टेंट हमें पता होती है पैरेललोग्राम लॉ में डायगोनल होती है। तो अगर हमें उल्टा करना होता, सपोज़ हमें करना होता बी वेक्टर, अगर हमें करना होता बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो गई हमारी ए वेक्टर, ये हो गई हमारी बी वेक्टर, हमें करना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सपोज़ हमें करना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को हम निगेटिव कर देंगे, ए वेक्टर की हम निगेटिव वाले को कंसीडर कर लेंगे, ये हो गई हमारी माइनस ए वेक्टर, ये हो गई हमारी माइनस ए वेक्टर, और फिर इन दोनों को हम वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा ये वाला, रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा ये वाला, यानी कि बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ पे थी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो अभी हमें निकालना है, ये देखिए ये हमारी रिजल्टेंट है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये आर वेक्टर मिली है, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिली है आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालनी है, ये जो हमारी आर वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की एंगल थी थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच की एंगल कितनी होने वाली है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच की एंगल कितनी होने वाली है, होने वाली है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस
थीटा, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की जो फॉर्मूला थी वो हमें पता थी, एक फॉर्मूला थी हमारी जो पिछले लेक्चर में हमने निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा थी फॉर्मूला। पर यहाँ पे क्या होगी, 180 माइनस थीटा। ये क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो दोनों के बीच एंगल कितनी है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमने बी को माइनस बी क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे तो हमारी माइनस बी थी, पर यहाँ पे हमने बी लिखा है, माइनस बी नहीं लिखा है। क्यों? हमने शुरू में ही बताया था कि माइनस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगी, बस ये बात है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, यानी कि आपको पता ही होगा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ये वाली एंगल, गलती से भी इस एंगल को थीटा मत लीजिएगा, गलती से भी इस वाली एंगल को थीटा यहाँ पे बैठा मत दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे माइनस डाला है, अगर आपने फॉर्मूला में, ये हो गई हमारी फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस लगाया है, तो यहाँ पे जो थीटा की एंगल जो आप लेंगे कंसीडर करेंगे तो ये वाली कंसीडर करेंगे, और अगर आपने प्लस लिया है तो ये वाली कंसीडर करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर फॉर्मूला में आपने यहाँ पे माइनस यूज़ किया है तो ये वाली एंगल को आप डालेंगे यहाँ पे, और अगर आपने फॉर्मूला में प्लस यूज़ किया है तो ये वाली एंगल को आप यहाँ पे डालेंगे, थीटा की जगह नहीं, 180 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल को आप कॉस के बाद डालेंगे। तो ये हो गई हमारी वेक्टर सब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब्स्ट्रैक्शन और वेक्टर से कैसी क्वेश्चंस आ सकती है। पहला क्वेश्चन अगर आपसे मैं कहूँ कि ए बॉडी वॉज ट्रेवलिंग विथ 7 meters per second ईस्ट एंड देन इट ट्रेवल्ड 9 meters per second towards north, find the change in velocity, आपको निकालना है वेलोसिटी में क्या बदलाव हुआ। पहले जो बंदा था वो चल रहा था 7 meters per second ईस्ट की तरफ, फिर वो चलने लगा 9 meters per second नॉर्थ की तरफ, फिर वो चलने लगा 9 meters per second नॉर्थ की तरफ। अब आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी, जो कि बराबर होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो अभी हमें क्या करना है बेसिकली फाइनल वेलोसिटी प्लस ऑफ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से अभी सीखा था। तो चलिए वेक्टर्स को अरेंज करते हैं, ये हो गई हमारी 7 meters per second वाली वेक्टर और ये हो गई हमारी 9 meters per second वाली वेक्टर। हमें करना है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि वी इनिशियल तो ये थी हमारी, ये है हमारी वी इनिशियल और ये है हमारी मैग्नीट्यूड वी और ये है हमारी वी फाइनल। तो हमें करना है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि वी इनिशियल को हम कर देंगे निगेटिव, वी इनिशियल को हम इस तरफ ला देंगे, ये हो गई हमारी माइनस ऑफ वी इनिशियल, यानी कि 7 meters per second उल्टी दिशा में। अच्छा, तो हमें चाहिए रिजल्टेंट, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद वी फाइनल वेलोसिटी और निगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वो किस तरफ होने वाली है, चेंज इन वेलोसिटी होने वाली है इस तरफ, जाहिर सी बात है इसी तरफ होने वाली है, ये होगी हमारी डेल्टा वी वेक्टर हमारी इस तरफ से, यानी कि डायगोनल से निकलने वाली है। पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट कर दे सकते हैं। चलिए सर सुंदर से बनाओ सर, ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम कंप्लीट और ये है हमारी डेल्टा वी वेक्टर। अब अभी हमें निकालना है डेल्टा वी वेक्टर, तो डेल्टा वी वेक्टर यानी कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितनी है,
दो वेक्टर्स के बीच, अगर इन दोनों के बीच 90 डिग्री है तो यहाँ भी जाहिर सी बात है 90 डिग्री ही होने वाली है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या थी हमारी, डेल्टा वी बराबर होगी, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो बराबर होगी वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी आई वी एफ कॉस थीटा, जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से हमें फॉर्मूला मिला है। अब ये थीटा क्या था, थीटा था दो ओरिजिनल वेक्टर्स के बीच की जो एंगल थी वो थी 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 90 बैठ जाएगी हमारी बैठ जाएगी यहाँ पे कॉस 90, और जो कि बराबर होती है ज़ीरो, तो ये तो चला जाएगा। तो क्या बचेगा, वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो इसका जवाब क्या मिलेगा आपको, 7 स्क्वायर आपका 49 प्लस 81, तो इसका जवाब आपको जो भी मिले, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, अब सवाल ये आता है कि चेंज इन वेलोसिटी किस दिशा में होने वाली है, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, जो रिजल्टेंट है हमारी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये हमारी रिजल्टेंट है, चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। 81 और 49 यानी कि इधर से हो गया आपका 91, 101, 131 और 130, रूट ओवर 130 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हमारी है चेंज इन वेलोसिटी जो हुई है उसकी मैग्नीट्यूड, जितनी चेंज इन वेलोसिटी हुई है उसकी मैग्नीट्यूड है ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन भी बताओ कि किस दिशा में, रुको ज़रा, डायरेक्शन भी बताओ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से कैसे होगा, डायरेक्शन भी बताओ कि किस दिशा में चेंज हुई है, तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आप इस एंगल को निकाल दें, सपोज अल्फा, तो टेन अल्फा होगी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सात अपॉन नौ। तो अल्फा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स सेवन अपॉन नाइन। तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी इज 10 inverse 7/9 टू द, ये अगर नॉर्थ है, ये तो ईस्ट थी हमारी, ये नॉर्थ है, तो जाहिर सी बात है ये होने वाली है नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जाहिर सी बात है आपको एंगल और चेंज इन वेलोसिटी दोनों निकालनी आ सकती है यहाँ से। एक और क्वेश्चन अगर आपसे हम पूछे कि चलो बताओ, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सीलरेशन इफ टाइम टेकन वाज 2 सेकेंड्स, एक्सीलरेशन बताओ। अब तो जाहिर सी बात है पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जो कि आपको दे देगी एक्सीलरेशन। अब आपको पहले तो निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। आप कैसे निकालोगे, बंदा जा रहा था ईस्ट की तरफ, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ कितनी थी, 7 मीटर पर सेकेंड, फिर बंदा चलने लगा नॉर्थ की तरफ थी 9 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है वी एफ माइनस वी आई, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालनी है, जो कि बराबर होगी वी एफ प्लस माइनस ऑफ वी आई। तो आपको इसको निगेटिव कर देना है, यहाँ पे वी आई माइनस वी आई हो जाएगी, ये माइनस वी आई वैक्टर, तो रिजल्टेंट जो आपकी है वो होगी ये वाली, ये होगी हमारी डेल्टा वी, ये हमारी वी एफ थी, तो ये हो जाएगी हमारी डेल्टा वी वेक्टर। अच्छा, अभी हमें डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी हम कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी सी बात है, जस्ट अभी तो हमने निकाला था, सर फिर से निकालवा रहे हो, चलो निकाल ही दो, रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये कैसे आया है, जस्ट अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में हमने निकाला है। अच्छा, और अगर समझ नहीं आई है तो हम क्या कर सकते हैं, चैनल बंद करना पड़ेगा। तो क्या होगा, रूट ओवर 130 मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी
चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितने होने वाली है, रूट ओवर 130 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी हमारी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड, ये होगी हमारी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चलो फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि एक बंदा वॉज ट्रेवलिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डिरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डिरेक्शन एंड टर्न्ड बाय 60 डिग्री टूवर्ड्स पहले ईस्ट जा रहा था, 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा तो अभी हमसे पूछा गया है कि बंदा था 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की ओर जा रहा था और फिर उसने टर्न किया 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ, उसकी वेलोसिटी सेम थी, कीपिंग स्पीड सेम। वेलोसिटी तो सेम हो ही नहीं सकती है, क्या बता रहे हो आप सर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। कीपिंग स्पीड सेम। अच्छा अब 60 डिग्री टर्न हो गई है नॉर्थ की तरफ, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होने वाली है, कैसे निकाल सकते हैं हम। चलो बंदा जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर, फिर बंदा रोटेट हो गया 60 डिग्रीज, फिर बंदा 60 डिग्रीज टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर टर्न हो गया 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ये हो गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्रीज टूवर्ड्स नॉर्थ। पहले तो बंदा जा रहा था इस तरफ, फिर जाते 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 60 डिग्रीज नॉर्थ की, यानी कि आपको आसानी से समझा देते हैं, इसको फिर से समझा देते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड बंदा जा रहा था ईस्ट की ओर, ये हो गई हमारी इनिशियल, फिर ये बंदा 60 डिग्री ये हो गई 60 डिग्री नॉर्थ की ओर रोटेट हो गया, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, 60 डिग्री नॉर्थ की ओर रोटेट हो गया। अभी इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो पैरेलल शिफ्ट हमने सीखा था आसानी से हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो गई 60 डिग्री, ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी, हमने क्या किया पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस वेक्टर को। अच्छा अभी हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी कितनी होने वाली है, दोनों बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या करना है हमें, जाहिर सी बात है हमें करना है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v2 प्लस माइनस v1, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना है डेल्टा v। तो क्या करना है, vi को हमें निगेटिव कर देना है, सर अब ये तो आपने सिखाया ही है, ये हो गई माइनस v1, पर मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ, पहले इसको कर लीजिए फिर बताते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी किस दिशा में जाने वाली है, चेंज इन वेलोसिटी जाने वाली है इस दिशा में, डेल्टा वी इस दिशा में जाने वाली है। अब डेल्टा वी कितनी होने वाली है, मैग्नीट्यूड v1 square plus v2 square minus twice v1 v2 cos थीटा, जो हमारी फॉर्मूला थी मैग्नीट्यूड की जो फॉर्मूला हमारी थी। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, v1 भी 5 है v2 भी 5 है। चलिए देख लेते हैं, 5 square plus 5 square minus 2 into 5 into 5 into cos 60, यानी कि 5 square plus 5 square minus 2 into 5 square cos 60। अब 5 square अगर आप यहाँ से कॉमन ले ले सबसे, तो आपको मिलेगा अब 2 into 5 square, यहाँ पे हो गया आपका 2 into 5 square minus 2 into 5 square cos 60, जो कि होगी बराबर, अगर आप 2 into 5 square कॉमन ले ले, 1 minus cos 60। अब आपको मैंने यहाँ तक लाया क्योंकि आप तो यहाँ पे इजीली कर सकते थे, 5 square 25, 5 square 25, 5 5 25, 2 50, आप इजीली यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते थे, पर मैं इतनी लॉन्ग जा रहा हूँ आपको एक शॉर्टकट देने के लिए, मैं इतना लॉन्ग कट कर रहा हूँ ताकि आपको एक शॉर्टकट मिल जाए। फॉर्मूला कुछ है, याद रखिएगा, 1 plus cos थीटा
बराबर होती है ट्वाइस कॉस थीटा बाई टू, ये हो गई पहली फॉर्मूला, और वन माइनस कॉस थीटा बराबर होती है ट्वाइस साइन थीटा बाई टू, ट्वाइस साइन थीटा बाई टू, तो वन प्लस कॉस थीटा होती है बराबर टू, माफ कीजिए टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस थीटा होती है बराबर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और वन माइनस कॉस थीटा होती है बराबर ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, वन माइनस कॉस सिक्सटी, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस सिक्सटी, तो यहाँ पे क्या होने वाली है टू इंटू फाइव स्क्वायर डॉट टू साइन स्क्वायर थर्टी होने वाली है अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दें 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पे होगी 2 साइन स्क्वायर 60 बाई टू यानी कि 30। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 और 2 4, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर, अगर हम हटा दें 2 इंटू पाँच इंटू साइन 30, 2 इंटू पाँच इंटू साइन 30 यानी कि 10 इंटू 1 बाई टू यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, चलिए ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ये फॉर्मूला भी आपने समझ लिया होगा, तो अभी देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहले वी वेलोसिटी से जा रही थी, फिर उसके बाद वो टर्न हुई कुछ एंगल वो टर्न हुई, वो ऑब्जेक्ट कुछ एंगल थीटा एंगल मान लेते हैं टर्न हुई कोई दिशा में, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो हम कैसे निकालेंगे, इसको पैरेलली शिफ्ट हम यहाँ पे कर दिए तो ये भी वी, और उसकी वेलोसिटी अगर सेम रहती है, उसकी वेलोसिटी अगर सेम रहती है, चलिए इसको थीटा मानते हैं, थीटा मानते हैं, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से एक दिशा में जा रही है, फिर थीटा एंगल उसी वेलोसिटी से, मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से एक दिशा में जा रही है और फिर वी वेलोसिटी से एक दिशा में जा रही है और फिर थीटा एंगल या कोई भी एंगल दूसरे दिशा में टर्न होती है उसी वेलोसिटी में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी आर सेम, अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है, जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है, तो दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो होने वाली है उसकी फॉर्मूला थी हमारी रूट ओवर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी वन वी टू कॉस थीटा माइनस वी वन वी टू कॉस थीटा। अब दोनों वेलोसिटी सेम थी यानी कि वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कॉस थीटा यानी कि 2v square माइनस 2v square cos थीटा यानी कि 2v square अगर आप कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा होती है बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4v square साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि 2v साइन थीटा बाय 2। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया आपको चेंज इन वेलोसिटी का, ये कब आप अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जो है आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर हो, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर हो, दे आर सेम, और दोनों कितनी थी, वी थी, सेम वी, दोनों की वैल्यू वी थी, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज़ बराबर हो, दोनों वेलोसिटीज़ ही बराबर हो और वो बराबर हो v के या फिर कोई भी एक वेलोसिटी के बराबर हो, तब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे सकते हैं 2v sin theta by 2, 2v sin theta by 2, इसको नोट कर लीजिएगा 2v sin theta by 2, इसको हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो। तो इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से किया है उसको अगर शॉर्टकट में कर दे, चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालनी है 2v sin theta by 2, 2 into 5 into sin 60 by 2 यानी कि 2 into 5 into sin 30, 2 into 5 into sin 30 यानी कि sin 30 यानी कि 1 by 2, 2 से 2 कट गया 5 मीटर पर
सेकेंड, तो एकदम आसानी से हम कर सकते हैं अगर ये शॉर्टकट हमें पता है, अगर ये शॉर्टकट हमें पता है। तो आज हमने सीखा सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम कैसे सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन तो हमने सीख ही लिया है, दो वेक्टर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, और ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, हेड टेल मेथड सारी हमने सीख ली थी। आपसे मिस हुई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, प्लेलिस्ट में तो लगी हुई है ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि लेक्चर्स की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम चलते हैं, बाय।